फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो यार, मतलब एक नया एक मैं ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया है मैंने। तो मैं आज अपने चाचा जी के घर जाऊंगा, क्योंकि जो मेरा भतीजा है 1 साल का हो गया है, तो उनके घर पे जागरण भी है और केक वूक भी उन्होंने काटना है छोटू का। तो फिर अब आज वहाँ जाएंगे। बट यार, मेरे साथ एक पोपट हो गया। ड्रेस निकाली थी, सोचा था प्रेस ही होगी, पर वो तो है नहीं प्रेस। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो इसकी हालत क्या हो रखी है। तो अभी मैं इसको प्रेस करवाने जाऊँगा, लेट भी हो गया हूँ। तो आगे आगे मैं आपको और ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाऊंगा। तो चलो चलते हैं फ्रेंड्स। तभी कहते हैं किसी ना अनाड़ी बंदे को कोई भी काम करने को ना दो। अभी जल्दी जल्दी में मैंने आपको बताया था ना कि प्रेस करवानी पड़ रही है। प्रेस तो उसने क्या करनी थी, ऊपर से सारा कोट ही ख़राब कर दिया है। देख लो ये सारे निशान यहाँ डल गए। यार इतना महंगा कोट, मेरा फेवरेट कोट था, सारे कोट की ऐसी तैसी कर दी। अब कोई ऑप्शन है नहीं, यही पहनना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, जैसे ही जब मैं कल वापस आऊँगा ना, फिर आगे इसको बताता हूँ कि कोट कैसे ख़राब होते हैं और प्रेस कैसे की जाती है। सो दोस्तों, रेडी हो चुका हूँ और ये बड़ा सा मैंने गिफ्ट भी ले लिया है। वैसे है तो वो छोटू है, 1 साल का हुआ है अभी भतीजा मेरा, पर उसके लिए मैंने गिफ्ट बड़ा ले लिया। तो चलो अब उधर चलते हैं, फिर उधर का आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है अभी उधर। तो फ्रेंड्स, पहुँच गया हूँ मैं जहाँ अभी पार्टी है। अभी पहले पार्टी होगी, मतलब डिनर वगैरह होगा, उसके बाद फिर जागरण होगा। जैसे आप ये देख रहे हो कि सामने ये इस साइड जागरण का अभी शुरू होगा। अभी इतना ज़्यादा जागरण का है नहीं, क्योंकि अभी पहले डिनर वगैरह होगा, तो फिर उसके बाद जागरण शुरू करेंगे। तो ये मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ अंदर का कि कैसे ये सब प्रोग्राम चल रहा है। डेकोरेशन तो यार अच्छी करी हुई है, मतलब फंक्शन मेरे घर का ही है, मेरा सगा ही भतीजा है। तो ये सारा फंक्शन, ये सारी डेकोरेशन मैंने साथ लगा के ही करी है। और ये है भाई बर्थडे बॉय। ओए बर्थडे बॉय चैंपियन, ये है हमारा बर्थडे बॉय जिसके बर्थडे में मैं आया। ये हमारे छोटू का हैप्पी बर्थडे का केक कटता हुआ। तो यहाँ हम जागरण का आनंद लेते हुए, The next day. मॉल मेरे घर के पास ही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा डेकोरेशन यहाँ इन्होंने की हुई है। आज लोग भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्रिसमस है ना, तो सारे बाहर निकले हुए घूमने के लिए। और वैसे भी मोस्टली मैं डीटी में ना, यहाँ सेल लगी होती है, तो फिर हर सैटरडे मतलब वीकेंड्स पे तो यहाँ लोग आपको मिलेंगे ही। और एक दूसरी बात, यहाँ पे सामने ना चाय सुट्टा बार खुला है नया, और चाय सुट्टा बार पे सुट्टा नहीं मिलता दोस्तों, सिर्फ चाय ही मिलती है। तो सोच रहा हूँ कि यहाँ से चाय पी लूँ, पहले बड़ा नाम सुना है मैंने चाय सुट्टा बार का। तो चलो चलते हैं। सो फ्रेंड्स, पहुँच गया हूँ मैं चाय सुट्टा बार पे। अभी सिर्फ यहाँ चाय मिलेगी, सुट्टा तो नहीं मिलेगा। एक मैं अभी चाय ऑर्डर करने लगा हूँ, केसर टी, देखते हैं पी के कैसी लगेगी। तो अभी लेता हूँ, टेस्ट करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ और आपको रेकमेंड करता हूँ कि आपको यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए।
दोस्तों आज फुल ऑन रश लगा हुआ है चाय सुट्टा बार में, और वैसे भी कुछ क्रिसमस की वजह से भी हो सकता है कि बड़े लोग आए हुए हैं यहाँ पे डीटी मॉल में। वैसे मैंने इतना क्राउड कभी देखा नहीं, आज ही है। पर चलो, मेरा मोटिव तो चाय पीना था, चाय मैंने पी ली, अब इसके बाद देखते हैं आगे कहाँ जाना है। सो फ्रेंड, ये नज़ारा मेरे पीछे डीटी मॉल का आज बहुत अच्छा लग रहा है। लाइटिंग वाइटिंग और क्रिसमस की वजह से बहुत ज़्यादा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अपना चाय पीने का मोटिव ख़त्म, अब आगे चलते हैं, डीटी से बाहर जाने लगा हूँ। अब देखते हैं आगे जाके क्या करना है, कुछ और जगह घूम के आते हैं। वैसे ज़्यादा ऑप्शन होते नहीं चंडीगढ़ में, फिर भी कुछ तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये है एलांटे के अंदर एक कंसर्ट चल रहा है लाइव, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, और बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। आज बहुत ज़्यादा लोग मतलब घरों से बाहर आए हुए हैं शायद क्रिसमस की वजह से, और पर फिर भी ठंड बहुत ज़्यादा है, लोग फिर भी बहुत ज़्यादा है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है यहाँ पे एलांटे में, और ये मेरे पीछे आप देख सकते हो पीछे लाइव कंसर्ट, और ये पीछे एक इतना बड़ा क्रिसमस ट्री। ठंड है फिर भी इतने सारे लोग बाहर आए हुए हैं, मतलब मज़ा आ रहा है यार। ठंड ढूंढ कुछ नहीं लग रही है अंदर एलांटे से ज़्यादा, तो बाहर मज़ा आ रहा है। थोड़ी थोड़ी ठंड, और ये सारी इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, म्यूज़िक चल रहा है लाइव, मतलब यार बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे मेरे को। और ये क्रिसमस ट्री, मतलब यार मज़ा आ गया। मैं सोच रहा था कि एलांटे में कुछ नहीं होगा, बट पैसा वसूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल गाइज। बस अब यार थक गया हूँ, सोने की तैयारी है। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। बाय, टाटा।